नमस्कार स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और एक्सप्रेस रिपोर्टर के साथ मैं हूँ फ्रेश कुमारी। एक्सप्रेस रिपोर्टर का सिलसिला शुरू करेंगे, सबसे पहले रुख करेंगे भोपाल का। मध्य प्रदेश में हुई अतिवृष्टि और बाढ़ से हुए नुकसान का मुद्दा अब दिल्ली दरबार में उठेगा। अतिवृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार केंद्र से सहायता नहीं मिलने की बात शुरुआत से कर रही है। बारिश ने किसानों की फसलों को खासा नुकसान पहुंचाया है, वहीं बाढ़ प्रभावितों की संख्या भी कम नहीं है। इस नुकसान की भरपाई के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ अब पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कमलनाथ जल्द से जल्द राहत राशि जारी करने की बात करेंगे। इस बीच राजस्व विभाग ने बारिश से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार कर ली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश को 13,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उम्मीद की जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के प्रयासों से बाढ़ प्रभावितों और किसानों को जल्द ही मुआवजा मिल सकेगा। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर निर्मल सिंह दास। छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में हुए शामिल, महानायक अमिताभ बच्चन को भी पछाड़ा। इंडियन एक्सप्रेस रिपोर्ट के अनुसार देश के 100 प्रभावशाली लोगों की जारी हुई सूची में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। इसमें उनका नाम 54वें नंबर पर है। इस सूची में वो महानायक अमिताभ बच्चन से भी आगे निकल गए हैं। इधर सूची के नाम आने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसका श्रेय छत्तीसगढ़ की जनता को दिया है। पीएम ने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ का सम्मान है, यहाँ के लोगों का सम्मान, हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, विधायक हैं, सभी लोगों का योगदान है, सभी को इसके लिए बधाई। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने भाजपा सांसदों द्वारा गांधी जयंती के दिन निकाली जा रही पदयात्रा के लिए चुटकी लेते हुए कहा कि वो पदयात्रा निकाल रहे अच्छी बात है, लेकिन गोडसे मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए उन्हें पदयात्रा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में आने के साथ ही सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरुवा गुरुआ बारी की भी तारीफ की है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर शिवम मिश्रा। हनी ट्रैप मामले में 5 आरोपियों को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने 14 तारीख तक सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। पलाजा पुलिस ने 5 आरोपियों को आज कोर्ट के समक्ष पेश किया था, जहां कोर्ट ने 5 महिला आरोपियों को जिला जेल भेज दिया है, जहां 14 तारीख को अब अगली सुनवाई होगी। वहीं श्वेता विजय जैन के वकील ने पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी लगाया है, जहाँ पर पुलिस सभी आरोपियों को जिला कोर्ट में लेकर पहुंची है, जहां जिला कोर्ट में सारी दस्तावेजों की पूर्ति होने के बाद जिनको जिला विभाग के सुपुर्द किया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अजय शेख। अपराध को लगाम लगाने और नक्सलियों के शहरी नेटवर्क को तोड़ने के लिए पुलिस यहां ले रही है सीसीटीवी की मदद। जिले में बढ़ते अपराधों और नक्सल वारदातों के चलते बीजापुर नगर में पुलिस ने अलग अलग चौक चौराहों में 32 सीसीटीवी लगाकर निगरानी कर रही है। पुलिस को इन सीसीटीवी की मदद से अब अपराध में कमी लाने में फायदा मिला है। वहीं अपराध नियंत्रण कक्ष में बैठकर पुलिस नगर के सभी चौक चौराहों पर 24 घंटे अपनी तैनी नजर बनाए हुए है। 10 दिन पहले मिली एक युवती की सड़ी गली लाश की गुत्थी भी इसी सीसीटीवी की मदद से सुलझाने में पुलिस को सफलता मिली है। नगर के चौक चौराहों में लगे 32 सीसीटीवी कैमरे की मदद से जहां अपराध में कमी आ रही है, वहीं पुलिस ने एक अंधे कत्ल की गुत्थी को भी सीसीटीवी की मदद से सुलझाया है। बीजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन दुर्गम। प्रदेश में किसी भी कीमत पर प्याज के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे और प्याज की आवक को स्थिर रखा जाएगा। जबलपुर में आज 2 मंत्रियों ने इस बात का जनता को आश्वासन दिया है। कमलनाथ सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर प्याज के दाम बढ़ने नहीं दिए जाएंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट और कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है कि प्याज के बड़े कारोबारियों के गोदाम और स्टोरेज पर जाकर जांच की जाए और तय सीमा से अधिक प्याज पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और किसी भी कीमत पर कीमतों को बढ़ने से रोका जाए। इस तरह के निर्देश प्राप्त होने के बाद अब माना जा रहा है कि प्रदेश में प्याज के दाम स्थिर हो जाएंगे। प्याज के बड़े कारोबारियों पर अब सरकार की सीधी नजर है, जाहिर सी बात है कि प्याज के दाम नहीं पाएंगे। अरविंद दुबे एक्सप्रेस रिपोर्टर जबलपुर। मौसम में आए बदलाव के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में गुलियनबारी सिंड्रोम का खतरा बढ़ गया है। जयरोग अस्पताल के न्यूरोलॉजी विभाग में पिछले 5 दिन में इस बीमारी के 6 मरीज भर्ती हो चुके हैं। अमूमन इस बीमारी के मरीज जुलाई अगस्त में आते हैं, लेकिन इस बार ये मरीज सितंबर में आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि वायरल फीवर के दौरान दस्त होने या लंबे समय तक जुखाम रहने वालों को जीबीएस यानी नसों का लकवा होने का खतरा अधिक रहता है।
यह स्थिति बुखार आने के दो सप्ताह बाद भी हो सकती है। वहीं प्रदेश के इकलौते न्यूरोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश उदेनिया के मुताबिक जीबीएस नसों के लकवे की ऐसी बीमारी है जिसमें हाथ पैरों में लकवा आ जाता है, जिसके कारण मरीज बिस्तर पर लेटा रह जाता है। अमूमन ये बीमारी बढ़ने से 7 से 10 दिन का समय लेती है, लेकिन इस बार जो मरीज सामने आ रहे हैं उसमें ये बीमारी 24 से 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से फैल जाती है और मरीज के दोनों हाथ पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। इतना ही नहीं, रोगी को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, जिसके कारण उसे वेंटिलेटर तक पर लेना पड़ता है। चिकित्सकों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर किसी को भी बीमारी के लक्षण लगते हैं वो तत्काल अपने चिकित्सक से परामर्श ले सकता है ताकि समय रहते उसका उपचार हो सके। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। मानसून अपनी विदाई पर है, लेकिन डेंगू चरम पर है। आप आंकड़े सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इस सीजन में बारिश ने जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़े हैं, उसी तरह डेंगू भी अपने पैर पसार रहा है। भोपाल में लगातार बारिश के चलते डेंगू के मरीजों की संख्या 380 तक पहुंच गई है और ये आंकड़ा सिर्फ एक महीने का है। पिछले साल की बात करें तो डेंगू के सबसे ज्यादा मामले अक्टूबर में मिले थे, लेकिन इस बार आंकड़ों का रिकॉर्ड सितंबर में ही टूट गया। हर साल ये अंदाजा रहता है कि दीपावली तक डेंगू के आंकड़ों में कमी आ जाती है, लेकिन इन आंकड़ों को देखकर लग रहा है कि इस साल नवंबर के आखिर तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की आशंका है। हालांकि राजधानी भोपाल के लिए अच्छी बात है कि डेंगू की वजह से यहाँ किसी की मौत की खबर नहीं आई है। डेंगू के इन आंकड़ों को देखने के बाद सवाल यही उठता है कि मलेरिया विभाग इन आंकड़ों पर कब अंकुश लगा पाता है। क्या ये विभाग इन आंकड़ों पर अंकुश लगाने के लिए कामयाब हो पाएगा? एक्सप्रेस रिपोर्टर शरद बाघेला। इंदौर से बड़ौदा जा रहा हेलीकॉप्टर अचानक मौसम खराब होने के चलते उसे अलीराजपुर में लैंड कराया गया, लेकिन आचार संहिता के चलते सारे अधिकारी यहां पर सतर्क हो गए हैं और पूछताछ जारी है। अलीराजपुर खेल परिसर में अचानक हेलीकॉप्टर उतरने से शहर में चर्चा का विषय बन गया। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के चलते अलीराजपुर में आचार संहिता लगी हुई है, जिसके चलते पुलिस हरकत में आई और आनंद फानंद में एसडीओपी धीरज बब्बर शिक्षा परिसर पहुंचे और वहां पायलट से चर्चा की। पायलट से चर्चा करने के बाद धीरज बब्बर द्वारा निर्वाचन शाखा को इसकी सूचना दी गई है, जिसके बाद निर्वाचन दल तत्काल वहां पर पहुंचा और पायलट व अन्य लोगों से चर्चा की तो उनमें बैठे इंजीनियर और कर्नल ने बताया कि यह हेलीकॉप्टर इंदौर से बड़ौदा जा रहा था, मौसम खराब होने के चलते इसे अचानक अलीराजपुर में लैंड कराया गया। हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस संबंध में पायलट व अन्य लोगों से मीडिया कर्मी ने चर्चा करनी चाहिए तो उन्होंने मना कर दिया। मौसम साफ होने के बाद बिना कोई सूचना दिए पायलट हेलीकॉप्टर लेकर वहां से रवाना हो गए। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के चलते यहां अलीराजपुर जिले में भी आचार संहिता लगी है, जिसके चलते पायलट और उनके साथ बैठे लोगों से एसएसटी टीम द्वारा पूछताछ कर मौसम साफ होने पर इस हेलीकॉप्टर को यहां से रवाना कर दिया गया। मनीष वाणी, एक्सप्रेस रिपोर्टर, अलीराजपुर। स्मार्ट सर प्रोजेक्ट को लेकर एक बार फिर इंदौर नगर निगम द्वारा शीतला माता बाजार से गोराकुंड चौराहे तक कार्रवाई शुरू कर दी है। पिछले कई दिनों से टल रही शीतला माता बाजार से गोराकुंड रोड चौड़ीकरण में बाधक निर्माणों पर इंदौर नगर निगम ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मंगलवार सुबह निगम का अतिक्रम निरोधी दस्ता बड़ी संख्या में शीतला माता बाजार पहुंचा और पुलिस बल के सामने कार्रवाई शुरू की। दरअसल स्मार्ट शहर प्रोजेक्ट को लेकर शीतला माता बाजार से गोराकुंड तक 60 फीट रोड का निर्माण किया जाना है, जिसको लेकर इंदौर नगर निगम ने एक बार फिर शीतला माता बाजार से गोराकुंड तक कार्रवाई शुरू की है। निगम द्वारा मंगलवार को 8 बड़े मकान सहित अन्य बाधक निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करेगा। हालांकि निगम द्वारा शुरू की कार्रवाई का व्यापारियों ने विरोध भी किया, लेकिन निगम द्वारा कार्रवाई लगातार जारी रही। गौरतलब है कि इंदौर नगर निगम द्वारा पिछले दिनों शीतला माता बाजार से गोराकुंड तक बाधक निर्माणों पर कार्रवाई की थी। पिछले कई दिनों से त्योहार के कारण टल रही निगम की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। निगम अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह यादव ने बताया है कि पिछले चरणों में निगम द्वारा 60% से अधिक मकानों को तोड़ दिया गया था, बचे हुए 40% को आज तोड़ दिया जाएगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। अपनी दो सूत्री मांगों को लेकर मध्य प्रदेश के कोतवालों ने आज पत्रकार भवन में अनिश्चितकालीन धरना दिया। कोतवालों का साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में ये कहा था कि नियमितीकरण होगा, लेकिन कब ये इंतजार लेकर ही आज वो यहाँ बैठे हुए हैं। और जब तक ये धरना खत्म नहीं होगा जब तक सरकार की तरफ से एक विश्वसनीय आश्वासन नहीं मिल पाता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर, दिव्य भोपाल। प्रदेश सरकार में खेल एवं उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने पटवारियों को लेकर एक विवादित बयान दिया, जिससे प्रदेश के समस्त पटवारी नाराज नजर आए। आक्रोशित पटवारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा।
मंत्री जीतू पटवारी द्वारा राव के रंगवासा में आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में एक विवादित बयान दिया गया, जिसमें जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश के 100% पटवारी रिश्वत लेते हैं, रिश्वतखोर है। इस बयान को लेकर प्रदेश में समस्त पटवारियों में आक्रोश देखा गया। खातेगांव में भी पटवारी संघ द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से कहा गया कि अपने इस बयान को लेकर जीतू पटवारी ने प्रदेश के समस्त पटवारियों से माफी मांगनी चाहिए। अगर जीतू पटवारी ने 3 दिन के अंतर माफी नहीं मांगी तो उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहे। पटवारियों ने ज्ञापन में कहा कि अगर जीतू पटवारी ने अपने विवादित बयान को लेकर समस्त पटवारियों से मंच के माध्यम से माफी नहीं मांगी तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। खातेगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश पवार। राजधानी भोपाल के अलग अलग थाना क्षेत्रों में चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विगत दिनों से लगातार लूट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी को गोविंदपुरा पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। गौरतलब है आरोपी ने 2 दिनों के अंदर शहर के अलग अलग 2 थाना क्षेत्रों में सिलसिलेवार वारदातों को अंजाम दिया था। लिहाजा आरोपियों ने बीती 25 सितंबर को गोविंदपुरा थाना क्षेत्र से पीड़ित से करीब 1,00,000 रुपए लूट लिए थे। वहीं 24 सितंबर को हनुमानगंज थाना क्षेत्र में भी आरोपियों ने एक महिला से 50,000 रुपए की लूट की थी। फिलहाल एक आरोपी तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया है, मगर एक आरोपी अभी भी फरार है। बताया जा रहा है कि इस आरोपी का नाम बंदर है, जो कि बंदर के तरीकों से वारदातों को अंजाम देता था। विगत दिनों विकास पॉल नामक आरोपी ने हनुमानगंज थाना क्षेत्र और गोविंदपुरा थाना क्षेत्र में की थी चोरी और लूटी की वारदातें। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर दुर्गेश गुप्ता। मार्कपेट के डिप्टी मैनेजर रामेश्वर ठाकुर को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। घर में काम करने वाली नौकरानी के नाबालिग बच्ची से करता था छेड़छाड़। नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में राजेंद्र नगर पुलिस ने मारपेट के डिप्टी मैनेजर रामेश्वर ठाकुर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ उसके घर में काम करने वाली नौकरानी की नाबालिग बच्ची ने शिकायत दर्ज कराई थी। राजेंद्र नगर थाने से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी रामेश्वर ठाकुर मारपेट में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत है। उसके यहाँ एक नौकरानी काम करती थी। उस नौकरानी की तबीयत बीच में खराब होने के कारण उसके घर देखरेख लिया नहीं जाने लगा। आरोपी नौकरानी का खर्च भी वहन करता था। नौकरानी की 15 साल की बच्ची है। उस बच्ची के साथ आरोपी पिछले 6 माह से छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दे रहा था। बच्ची का स्पष्ट कहना है कि आरोपी उसे पूरी नीयत से घमर और शरीर पे हाथ लगाता था। बच्ची ने सबसे पहले इस घटना के बारे में अपनी माँ को बताया, लेकिन उसकी माँ ने कहा, अंकल अच्छे हैं, थोड़ा बहुत टच करते हैं, इतराज मत करना। बीच में शिकायत जब बच्ची ने की थी तब उसकी माँ ने उस नाबालिग बच्ची से मारपीट भी की थी। इस पूरे मामले से परेशान होने के बाद पीड़िता ने अपने दोस्त के साथ आकर राजेंद्र नगर थाना में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी रामेश्वर ठाकुर को राजेंद्र नगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर हेमंत शर्मा। प्रदेश में किसी भी कीमत पर प्याज के दाम नहीं बढ़ने दिए जाएंगे और प्याज की आवक को स्थिर रखा जाएगा। जबलपुर में आज 2 मंत्रियों ने इस बात का जनता को आश्वासन दिया है। कमलनाथ सरकार ने साफ किया है कि प्रदेश में किसी भी कीमत पर प्याज के दाम बढ़ने नहीं दिए जाएंगे। प्रदेश के वित्त मंत्री तरुण भनोट और कृषि मंत्री सचिन यादव ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को आदेश दिया है कि प्याज के बड़े कारोबारियों के गोदाम और स्टोरेज पर जाकर जांच की जाए और तय सीमा से अधिक। प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अब बच्चे पीएम मोदी के अभियान से जुड़ रहे हैं और प्लास्टिक के उपयोग के बहिष्कार की अपील कर रहे हैं। कहते हैं बच्चे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों को सही राह दिखाई जाए तो बच्चे वर्तमान में बदलाव लाकर बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता मिशन के तहत देशवासियों से पॉलिथीन का उपयोग बंद करने की अपील कर रहे हैं, वहीं इंदौर के सेंट पीटर्स स्कूल के बच्चों ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के मौके पर खुद को इस अभियान से जोड़ते हुए न सिर्फ पॉलिथीन हटाने का संदेश दिया है, बल्कि अपनी मेहनत से हजारों पेपर बैग बनाकर लोगों को वितरित किए हैं, ताकि लोग पॉलिथीन का उपयोग छोड़कर पेपर या जूट के बैग का इस्तेमाल शुरू कर सकें और पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आएं। बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पॉलिथीन से होने वाले नुकसान और इससे बचाव का संदेश भी दिया। बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के इंदौर प्रभारी और अपर आयुक्त रजनीश कसेरा भी बच्चों के बीच पहुंचे और उन्होंने बच्चों के अभियान को हरी झंडी दिखाकर पेपर बैग वितरित करने के लिए उन्हें रवाना किया।
कहा जा रहा है कि जिस तरह बच्चे पीएम मोदी के अभियान से जुड़ रहे हैं और जागरूकता के अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं, उससे बड़े भी प्रेरणा लेंगे और पॉलीथिन का उपयोग बंद करेंगे। इंदौर से रिपोर्टर दीपिका अग्रवाल। ग्वालियर में बिना कलेक्टर की अनुमति के ट्रेनिंग में जाने के कारण स्वास्थ्य महकमे के दो अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी गई है। दरअसल सोमवार को हुई टीएल मीटिंग के दौरान कलेक्टर अनुराग चौधरी ने जिला मलेरिया अधिकारी मनोज पाटीदार से डेंगू की रोकथाम को लेकर जानकारी मांगी थी, लेकिन जिला मलेरिया अधिकारी कलेक्टर को कोई ठोस जवाब देने की बजाय यह बोलने लगे कि वो ट्रेनिंग पर गए थे, जिसको सुनकर कलेक्टर ने नाराजगी जताई और कहा कि सीजन में डेंगू मलेरिया ना फैले इसके लिए प्रबंध करने चाहिए थे और आप बिना अनुमति के ट्रेनिंग में चले गए, जिस पर मलेरिया अधिकारी ने सीएमएचओ डॉक्टर मृदुल सक्सेना से अनुमति लेकर जाने की बात कही, जिसके बाद कलेक्टर ने सीएमएचओ मृदुल सक्सेना की 7 दिन की वेतन और जिला मलेरिया अधिकारी मनोज पाटीदार की 2 महीने की वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर अनुराग चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि डेंगू और मलेरिया के सीजन में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर धर्मेंद्र शर्मा। त्योहारी सीजन को देखते हुए पूर्वा पुलिस कमांडो पेट्रोलिंग कर रही है। लूट, ठगी और अन्य अपराधों पर रोकथाम करने के लिए कमांडो पुलिस सार्वजनिक स्थल या दुर्गा पंडालों पर नजर रख चुकी है। त्योहारी सीजन को देखते हुए असामाजिक तत्वों के मन में डर बैठाने पुलिस विभाग कमांडो पेट्रोलिंग कर रही है। पुलिस बल शहर का भ्रमण कर रही है। कमांडो पेट्रोलिंग को देखकर हर कोई यही कह रहा कि आखिर शहर में इतनी बड़ी घटना क्या हो गई जो भारी मात्रा में पुलिस बल शहर का भ्रमण कर रही है। पुलिस ने इस दौरान दुकानदारों व आम लोगों को यातायात व्यवस्था, लूट, ठगी जैसे घटना के बारे में जानकारी दी। इस कमांडो पेट्रोलिंग में काफी संख्या में पुलिस बल शहर का भ्रमण कर रही है, जो कोसाबाड़ी से निकली कमांडो पेट्रोलिंग सुभाष चौक, निहारका, टीपी नगर, मुड़ा पास, सीतामढ़ी के अलावा समीप बस्तियों में पेट्रोलिंग करते नजर आ रही है। कोरबा से एसपी राहुल देव शर्मा ने बताया कि त्योहारी सीजन को देखते हुए यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के साथ ठगी और लूट जैसी घटनाओं की जानकारी दुकानदारों और लोगों को दी जा रही है। पुलिस की माने तो ऐसे सीजन में ही ठग गिरोह के अलावा उत्पाती उत्पाद करते नजर आते हैं। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने पुलिस की कमांडो पेट्रोलिंग निकाली जा रही है, जो शहर का भ्रमण कर रही है। त्योहारी सीजन पर अक्सर लूटपाट, चोरी जैसी घटनाएं घटित होती हैं। इस पर नजर रखने के लिए पुलिस, सिविल सेफ, सीआईएसएफ और पुलिस के जवान चौक चौराहे पर तैनात हैं। पूर्वा से रिपोर्टर मनोज यादव। राजधानी पुलिस को एक बार फिर कामयाबी मिली है। करोड़ों रुपए स्मैक और डोडा के साथ 3 व्यक्ति को गिरफ्तार कर रैकेट का पर्दाफाश किया है। महानगर की तर्ज पर अब प्रदेश के युवा भी कई तरह के नशे के चपेट में आते जा रहे हैं। राजधानी रायपुर में पुलिस ने नशे के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने स्मैक के 3 अंतरराज्यीय तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 20 ग्राम स्मैक और 20 किलो डोडा चूरा भी बरामद किया है। बरामद किए गए नशे के सामान की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार सूचना के आधार पर जाल बिछाकर ये कार्रवाई की गई है। दरअसल स्मैक का सौदा करने सादी वर्दी में पुलिस कर्मी को आरोपी के पास भेजा गया। सौदा तय होने के संकेत मिलते ही वहां सादी वर्दी में तैनात पुलिस कर्मियों ने आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपी हरभजन सिंह, गुरजन सिंह और अर्जुन सिंह पंजाब के तरण तारण के रहने वाले हैं। हालांकि पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है जो नशीली पदार्थ को खपाने के लिए चक्कर लगा रहे थे। अब देखना ही होगा कि इस रैकेट का तार कहां कहां जुड़ा है और पुलिस इसको खुलासा करने में कब तक कामयाब होती है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर सत्या राजपूत। भू अर्जन का मुआवजा नहीं मिलने से परेशान जिले के 150 किसानों ने आज कलेक्टर जॉन चौपाल में कलेक्टर नीलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को आवेदन देते हुए जल्द से जल्द मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। नेशनल हाईवे क्रमांक 43 कुनकुरी से संघ तक लगभग 66 किलोमीटर सड़क का निर्माण 2 अरब 65 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। इसी सड़क के किनारे लगभग 150 किसान ऐसे हैं जिनका भू अर्जन किया गया है, लेकिन इन किसानों को अब तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। लोरो, खटंगा, पतरा टोली, बोड़ो काठार के लगभग 150 ग्रामीण आज कलेक्टर जॉन चौपाल में कलेक्टर को आवेदन देते हुए जल्द से जल्द मुआवजा राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई है।
अब देखना होगा इन किसानों को जिला प्रशासन कब तक मुआवजा राशि दिला पाता है। जसपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर संतोष गुप्ता। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने इस बार किसानों के उड़द और टमाटर के फसल को चौपट कर दिया है। काफी उम्मीद के साथ किसानों ने इस बार उड़द और टमाटर की खेती पर अपना सारा जमा पूंजी को झोंक दिया था, क्योंकि शुरुआती दौर में बारिश कम हुई, इससे ऐसा लग रहा था कि टमाटर और उड़द कम बारिश में अच्छी पैदावार हो सकती है, लेकिन इस बार जो बारिश हो रही है उससे पूरा फसल चौपट कर दिया है। उड़द का फसल तो वहीं खराब हो रहा है जहां लगा है, टमाटर का हाल भी काफी नाजुक हो चुका है। अब अधिक बारिश ने ही किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। अब देखना होगा ऊपर वाले की मार से परेशान किसान इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएंगे। बत्थलगांव से एक्सप्रेस रिपोर्टर मनोज अंबट। कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में भाजपा की गले की हड्डी बनी स्कूल के बच्चों की साइकिलें। कांग्रेस ने किया तहसील के बाहर जमकर प्रदर्शन की स्कूल हेडमास्टर पर कार्रवाई की मांग। दरअसल में सोमवार को मध्य प्रदेश में हुई पेट्रोल डीजल की वृद्धि को लेकर भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक एक के मिडिल स्कूल के बच्चों के करीब 26 साइकिलों का इस्तेमाल किया गया था। स्कूल के बच्चों के अनुसार 26 साइकिलें स्कूल हेडमास्टर दिनेश यादव के आदेश पर रैली में दी गई थी। मामला मीडिया में आने के बाद आज कांग्रेस ने तहसील में जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही विधायक महेश राय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और मामले की निष्पक्ष जांच के साथ स्कूल के हेडमास्टर पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि उत्कृष्ट विद्यालय के हेडमास्टर एवं जिम्मेदार व्यक्ति के द्वारा भाजपा में साठगांठ कर स्कूल में उपस्थित छात्र छात्राओं की साइकिलें लेकर राजनीतिक कार्यक्रम के लिए दी गई थी, जबकि स्कूल के बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही थी और काफी समय तक बच्चों के लिए अपनी साइकिलों का इंतजार करना पड़ा था। हालांकि मामला मीडिया में आने एवं कांग्रेस के आक्रोश को देखने के बाद बीना एसडीएम ने मामले की जांच के आदेश बीओ को दिए हैं, जिसके बाद स्कूल हेडमास्टर पर कार्रवाई से इंकार नहीं किया जा सकता। बीना से एक्सप्रेस रिपोर्टर।